हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिमा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो ब्लॉग होने वाली है वो बहुत ही जो डेली ब्लॉग होती है उससे थोड़ी सी अलग होने वाली है। तो थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा इस ब्लॉग में कुछ। और मैं निकली हूँ तैयार होकर के, कहीं बाहर कुछ सामान मुझे लेना है तो मार्केट के लिए मैं निकल गई हूँ। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, तो मैंने यहाँ पर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए हुई थी अपने स्टूडियो के लिए, तो मैंने उसी के लिए शॉपिंग करना है मुझे, तो मैं वहीं बाहर जा रही थी। और आप देख सकते हैं इस टाइम पे रायपुर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ज़्यादा दोपहर की है, जबकि टाइम जो है वो 4 बज चुका है। और आप देख सकते हैं सूरज ऐसा लग रहा है जैसे कि डूबने ही वाला हो, अंधेरा होने ही वाला हो, शाम होने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 4 बजने वाले हैं और अभी काफ़ी टाइम है शाम होने में, बट फिर भी ऐसा लगता है कि आजकल जो शाम है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। सुबह से शाम कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी इवनिंग हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से सूरज जो है आप देख सकते हैं वो ढलने के फिराक में है, और इस तरीके से रोड का नजारा जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी लेट से निकले हैं, बट टाइम तो आफ्टर लंच थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करने के बाद हम मार्केटिंग के लिए निकल ही गए थे। जो मुझे सामान वगैरह लेना था कुछ, तो मैं वहां से निकल गई थी। और यहां पर मैं ये सोच रही थी कि मुझे जो चीज़ें हैं वो पता नहीं मुझे मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें मैं लेने जाती हूँ वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाती। कुछ अलग आ जाता है, समझ में नहीं आता है क्या होता है, पर वो चीज़ें नहीं मिल पाती। जो मेरा थीम है या जो स्टूडियो के लिए मुझे चाहिए वो चीज़ें मुझे मिल नहीं पाती हैं। तो देखें आगे क्या होता है। तो यहाँ पर हम मार्केट पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा सा हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी पर ये मार्केट है जहाँ हम जाने वाले हैं। तो फिर आप देख सकते हैं पहुँचने ही वाले हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी देर हो चुकी है, शाम होने वाला, दोपहर तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। और हम यहाँ पर इंटर करते हैं जो मार्केट है वहाँ, और इस मार्केट का नाम है कटोरा तालाब। और यहाँ जो पता नहीं क्यों ऐसा नाम है कटोरा तालाब, मुझे समझ में नहीं आता, बस इतना जानती हूँ, मैंने पूछा भी था कि कटोरा तालाब नाम क्यों है, तो शायद यहाँ पे कहीं पे एक तालाब है जिसका नाम कटोरा तालाब है और उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे जितने मार्केट हैं सबका नाम पड़ा हुआ है कटोरा तालाब। कि ये जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी मार्केट हैं सब क्लोथ के मार्केट हैं, यहाँ हर चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें ढूँढो आप वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा मार्केट है ये, हमें कुछ लेना होता तो हम यहीं आते हैं मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। तो ये रायपुर का कटोरा तालाब है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रायपुर टैटू वाला लिखा हुआ है, हालांकि हमने यहाँ से टैटू कभी नहीं बनवाया। और बहुत सारी आपको यहाँ पे सोप मिल जाएंगी, तरह तरह की जो भी आपको चाहिए होता है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आप एक एक सेकंड कार जो है वो रोक के चलनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड का सोप है जहाँ पर मुझे रुकना था, बट फाइनली हम रुक के वापस आगे बढ़ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रुके हुए हैं, रिकॉर्ड में हमें जाना था और अभी चल रही है जाएँ या ना जाएँ, और फाइनली बढ़ गए क्योंकि वहाँ पर से मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लेने थे जिससे मैं मेकअप के वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। आपको अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं मेकअप के वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो इस वजह से मुझे मेकअप के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मुझे रिकॉर्ड वाला जो शॉप था वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, तो यहाँ पर जो है वो हमें नहीं मिला। और यहाँ पर हम चल रहे हैं कहीं दूसरी जगह, और ये जो रास्ता है ये रास्ता है कहीं और का। ये रास्ता जिस मंजिल तक जाता है उसका नाम है पंडरी मार्केट, ये पंडरी जाने वाला रास्ता है। हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने 2-3 शॉप में देखी बट वहाँ पे नहीं मिली, और वो इतनी बड़ी शॉप थी तो वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग करूँ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं किया। और यहाँ पर मैं दूसरे मार्केट में, दूसरा जो मार्केट है उधर चल दी, शायद यहाँ मिल जाए ये सोच करके। तो हमने पंडरी मार्केट ये जो मार्केट है ये कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरा ऑल इंडिया में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कपड़े थोक के मात्रा में मिल जाती हैं, थोक विक्रेता जो है यहाँ काफ़ी हैं। तो रायपुर में ये पंडरी मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
तो यहाँ पर हम अपनी चीज़ें ढूंढते हुए आगे निकल पड़े। मैं इधर उधर देख रही थी कि साइड बाय साइड कोई फर्नीचर की शॉप मिल जाए जिससे कि मुझे मेरी चीज़ें जो है वो शायद मिल जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी दुकानें जो हैं वो अभी भी लाइटों से सजी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और इवनिंग के टाइम पर जब लाइट जलती है तो नज़ारा कुछ और ही होता है देखने का। बड़ा ही प्यारा सा मार्केट लग रहा था, पूरी तरफ लाइट जल रही थी और चारों तरफ मतलब लाइट ही लाइट, अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था दीपावली अभी तक नहीं गई है, दीपावली तो चली गई बट अभी सारी की सारी लाइटें जल रही हैं। और यहाँ पर हम अपने आ गए डमरो, यही शॉप मुझे आना था। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी शॉप है फर्नीचर की इस साइड में, तो यहाँ पर हम आए हैं यहाँ देखने के लिए। और हमारी एंट्री हो गई, उसके बाद हम यहाँ पर ये स्टोरेज वगैरह देखने लगे। ये सारे के सारे स्टोरेज जो है वो मैंने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को रखने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर देख रही थी, स्टोरेज के पर्पज़ से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा ठीक लग रहा था बट लॉक एक ही में था और कई सारी चीज़ें जो थी वो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। पहली बात तो ये कलर बिल्कुल ही डिफरेंट था और स्टोरेज के लिए सिर्फ अपर वाले लेयर में ही स्टोरेज बनाया हुआ था, बाकी तो प्लेन ही था। और मुझे चाहिए था वाइट, और वाइट में ये भी था बट इसमें वुडन कुछ अलग टाइप का कलर से मिक्स था, तो मुझे समझ नहीं आया ये जो भी मतलब स्टोरेज था। तो और यहाँ पर स्टोरेज देखने के बाद हम दूसरा कुछ जो हमें लेना था फाइनली वो देखने के लिए निकल गए। हमें लेना था एक फर्नीचर जो कि ऑफिस टाइप का हो, जिसमें बैठ करके मैं एडिटिंग कर सकूँ या भी कई सारी काम कर सकूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेकअप वगैरह, मेकअप वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, टेबल वगैरह, तो इस सब चीज़ों के लिए मुझे एक टेबल चाहिए था। और इस तरीके का टेबल मुझे नहीं चाहिए था, मुझे स्टडी टेबल नहीं चाहिए था। ये जो टेबल वगैरह आप देख रहे हैं ये सब सारे स्टडी टेबल लग रहे हैं। यहाँ पर एक जो टेबल है ये थोड़ा सा ऑफिस पर्पज से था बट ये थोड़ा सा बहुत ही लंबा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे अभी भी चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से नहीं मिल रही थी, कलर डिफरेंस था और साइज बहुत बड़ा था, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था क्या करूं। बट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मुझे जो है वो वीडियोज बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इसकी वजह से मुझे टेबल चाहिए ही चाहिए था। तो टेबल जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, फिर टेबल हमने देखा, उसके बाद हम यहाँ पर चेयर देखने के लिए निकल पड़े। वहीं पे बगल में ही चेयर काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो जब चेयर देखा हमने तो यहाँ पर हमें चेयर भी इतना कुछ समझ में नहीं आया और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके का चेयर नहीं चाहिए था। एक सिंपल सा चेयर चाहिए था जो कि कंफर्टेबल लगे मुझे काम करने में, और काफ़ी देर बैठना पड़ता एडिटिंग वगैरह करने में, तो मुझे एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए था जिसमें बैठ के मैं कंफर्टेबली काम कर सकूं। तो कुछ इस तरीके से मैं बैठ के देख रही थी और इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं ऐसा ही कुछ टेबल चाहती थी बट साइज केवल थोड़ा सा बड़ा था। ये वाला टेबल भी हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद था बट इस टेबल की भी प्रॉब्लम ये थी कि फ्रंट में ये थोड़ा सा ओपन था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से जो है ये टेबल हम कन्फ्यूज हो रहे थे कि ये टेबल ले, एक और टेबल था जो कि ये है, ये भी टेबल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका फ्रंट लुक बहुत अच्छा लग रहा था, प्लस ये थोड़ा सा हैवी था, उससे वो जो टेबल थी वो बहुत हल्की थी और ये वाली जो टेबल है वो थोड़ी सी उसके हिसाब से हैवी थी और इसका फ्रंट लुक भी बहुत अच्छा था। बट प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक ही थी कि कलर डिफरेंस था और साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करूं क्या ना करूं, मैं कंफ्यूज थी दोनों के दोनों टेबल में। बार बार हम यहाँ पर वो दोनों टेबल में मतलब दोनों टेबल में ही बैठ के देख रहे थे कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है या कौन ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरीके से हम वहाँ पर जो है वो टेबल जो है वो चूज़ कर रहे थे। तो फाइनली हमें लगा कि इसको रहने देना चाहिए क्योंकि इसका फ्रंट जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था बट फ्रंट मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली हमने उस वाले ही टेबल को सिलेक्ट किया और ये जो चेयर है उसको सिलेक्ट किया, ये चेयर भी बहुत अच्छा मतलब कंफर्टेबल था, दोनों ही टेबल में जा रहा था। तो कुछ इस तरीके से हमने वो टेबल लिया और ये वाला जो चेयर था इसको फाइनल किया। देन मतलब अभी भी दिमाग में कई चीज़ें चल रही थी, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और वहां जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी टाइम भी नहीं मिल पाएगा, तो फाइनली हमें यही ले लेना चाहिए और ये थोड़ा सा सही है बट थोड़ा सा रूम का स्पेस ज़रूर लेगा बट बाकी मामले में ये बेटर था। कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट था, थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था।
और ये भी थीम के अकॉर्डिंग तो ये भी बिल्कुल भी नहीं था ये वाला जो फर्नीचर था, बट हमें लेना तो था ही। फाइनली मैं सोच करके आई थी कि आज लूंगी। स्टडी टेबल घर पे एक पड़ा हुआ था, बट वो थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था क्योंकि ऊपर में मेकअप प्रोडक्ट्स रख के भी वीडियोज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो कवर नहीं कर पाएंगे। और ये टेबल उसके लिए बहुत ही अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद आया। थोड़ा सा स्पेस ज़रूर ले रहा था, बट फाइनली हमने इसी को सेलेक्ट किया, देन इसको बिलिंग करने के लिए बोला। और उसके बाद फिर हम मतलब निकलने ही वाले थे, फाइनली हम लास्ट में यही देख रहे थे कि फाइनल हमने कर दिया है। अभी भी अगर मैं बोल रही थी अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो देख लेते हैं दोबारा कुछ या जैसा भी कुछ, बट ठीक है ये सोच करके, इतना तो चाहिए ये सोच करके हमने फिर फाइनल कर ही लिया। क्योंकि बाकी के जो टेबल्स थे ना वो बिल्कुल स्टडी टेबल टाइप लग रहे थे, छोटे छोटे टेबल्स, वो छोटे टेबल्स में इतना नहीं हो पाता। ड्रॉवर्स वगैरह भी इस टेबल के अच्छे थे, बट मुझे इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इसके और उसके कंपैरिजन में वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फाइनली हमारा काम हो गया, बिलिंग वगैरह हमने उस टाइम पे यहाँ से जाने के बाद करा लिया था और यहाँ से हम निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग पूरी तरीके से हो चुकी है और मैं हंस रही थी कि मेरे थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और फिर बाद में हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम अपने थीम को ही चेंज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमने मतलब वही ले लिया, ब्लैक कलर ही है, हो सकता है बाद में हम ब्लैक कलर वगैरह ही अपना थीम चेंज कर लें, ये सोच करके हमने हमें हंसी आ रही थी। और फिर हम आगे की और घर रिटर्न करने लगे क्योंकि इसके बाद हमें कुछ और नहीं चाहिए था। टाइम चला गया हम लोगों का टेबल फर्नीचर देखने में, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था, एक रूम, एक सचमुच एक बड़ा सा ही चाहिए होता है। देखिए यहाँ पर भी एक फर्नीचर दुकान है, आपको मतलब वॉल पे ही लगाना पड़ेगा, आपको जितना भी वो है ना मतलब ड्रॉवर वगैरह बनाना पड़ेगा ना उस पे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक टेबल जो है, ब्लैक ये वो एकदम ऐसे खरीदा गया, अलग से ही कलर खरीदा गया, जो मेरा थीम का था वो नहीं खरीदाया, जो मेरे थीम से था वो मैच नहीं किया, ब्लैक जो है ब्लैक आ गया। कोई बात नहीं, अभी तो मेरे को बिल्ड करना है। चलो अब जो भी होता है या जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये सोच करके मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती थी। और फिर मैं घर की ओर निकल पड़ी और हमें कुछ खाना भी था बट खा नहीं पाए यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और यहाँ पर मैं अपने घर के पास पहुँच गई हूँ और यहाँ पर से कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे एक शॉप है वहाँ से हमने लिया कुछ खाने की चीज़ें, रोल वगैरह, वेज रोल वगैरह, और अपने घर को यहाँ पर मैं चली आई। इस तरीके से आप देखेंगे अभी कुछ क्या होने वाला है, अभी आप देखेंगे। जैसे ही हम बाहर से घर की ओर आते हैं तो घर के अंदर ये देखिए क्या हालत करता है, मतलब ये इतना परेशान हो जाता है और इसकी आईज आप देख रहे लाइट में बिल्कुल रेड रेड लग रही है, बहुत परेशान करता है ये। जब तक इसको मतलब उठा के प्यार ना कर लिया जाए तब तक ये इतना परेशान करेगा आपको कि नोच नोच के मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही कर डालेगा ये। तो आप देखिए किस तरीके से परेशान रहता है ये। और आकर के जब रूम का ये देखे तो आ जाएगा शायद, देखिए ना आ जाएगा एक साइड में, वो वहाँ पे ये आ जाएगा, कितना से कितना है इतना तो कवर करेगा। हाँ तो ठीक है, इतना लेगा, उससे भी थोड़ा ज्यादा लेगा, जितना इतना जितना इधर चेयर लिए है ना काला वाला चेयर, हाँ इतना लेगा, हाँ चौड़ाई उतना लेगा। हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे आने के बाद जो है वो कितना जगह है वो कवर करेगा।
और लग रहा था कि कवर तो कर लेगा पूरा जगह, बट जो भी होगा अब देखा जाएगा, जो भी हो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होना है क्या नहीं होना है। और इस तरीके से जो है वो हमने जो है आज मार्केट में काफ़ी टाइम निकाला, और कुछ इस तरीके से जो है वो मैं बात कर रही हूँ, मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे कल फर्नीचर आ जाएगा और ये जो खाली जो स्पेस है वो भी भर जाएगा, और पता नहीं कैसे वीडियो बन पाएगा, जो भी रील्स वगैरह है वो कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी तक रील्स यहीं पे बनते थे। इसमें यूट्यूब वीडियो कुछ अलग बनता है और रील्स वगैरह के लिए अलग बनाने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऊपर को डांट पड़ रहा था क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सतानी करता है। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।